जय सियाराम मित्रों, क्या तंत्र प्रयोग होता है? क्या किसी पे तंत्र कराया जा सकता है? या किसी का जीवन जो है तंत्र के माध्यम से खराब किया जा सकता है? या उसका जीवन पूरी तरीके से तंत्र के माध्यम से तबाह किया जा सकता है? हम सभी के मन मस्तिष्क में ये सब बातें घूमती रहती, तंत्र क्या है, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, सुना था फलाना बोल रहा था, धमाका बोल रहा था, ये सारी चीज़ें चला करती हैं, लेकिन किसी चीज़ का शब्द बना है तो उसका अर्थ जरूर होगा। षष्ठी में किसी चीज़ का शब्द है तो उसका अर्थ जरूर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुखों को लेके कम दुखी हैं, दूसरे की खुशी को देखते हुए ज़्यादा दुखी हैं, जिसे हम कह सकते हैं हवा, टोना, टुटका, किसी प्रकार का जादू मंत्र, सारी चीज़ें जो हैं। इसका जवाब प्रतिक्रिया आप पे हमारे पास नहीं है, ये जवाब उनके पास है जो इससे ग्रसित हैं, जो इससे पीड़ित हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे मैं लेके आज वीडियो बना रहा हूँ और आपको लक्षण बताऊँगा कैसे आप घर पे और अपने आप पे देख सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र किया गया नहीं किया गया है। ये 100% सत्य है। सबसे पहले ध्यान रखिए, किसी के साथ खाना मत खाइए, खासकर जो है उन लोगों के साथ खाना ना खाइए जिन पे ये चीज़ें लक्षण दिखता है, क्योंकि शरीर एक दूसरे शरीर को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, इसको आप देखिएगा अपने ऊपर, अपने हित मित्रों के ऊपर, या फिर जिसको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ कराया धरा तो नहीं है। रात में सोते समय एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और घर की मिट्टी, गमले की मिट्टी, कहीं की मिट्टी हो घर के कंपाउंड की, उसको उस तांबे के लोटे में डाल दीजिए और रात में सो जाइए। 2 फीट का दायरा होना चाहिए, लोटा 2 फीट से दूर नहीं होना चाहिए आपसे। उसके बाद वो सुबह उठिए, किसी भी पौधे में उसको डाल दीजिए। ये प्रक्रिया आप 7 दिन तक करेंगे। अगर ये पौधा सूख जाता है तो आप समझ लीजिए, हरा नींबू ले लिए, तकिए के नीचे रखिए और उससे प्रार्थना, सोने से पहले जो है रखने के बाद आप उससे प्रार्थना करिए, किसी प्रकार की हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस नींबू के माध्यम से हमें बताइए कि हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। सुबह उठने पर अगर वो सिकुड़ जाता है या फिर हरा, बिल्कुल हरा होना चाहिए, अगर वो पीला हो जाता है नींबू या लाल हो जाता है या नीला हो जाता है, तो आप समझिए कुछ ना कुछ आपके ऊपर समस्या, परेशानियां हैं, घबराहट है, पसीना बहुत आ रहा है, हाथ पैर सुन्न हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल, बीपी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो भी समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र की क्रिया हो रखी है। सांप, बिच्छू, सांप, चमगादड़, भंवरा, ये सब पहले नहीं थे, अचानक जो है 2-4-10 दिन में या फिर महीने भर से जो है अचानक आने लग गए, बहुत तेज़ी से आने लग गए, तो भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं से दिक्कतें, परेशानियां आने वाली हैं। भूख लगे लेकिन खाना सब सामने आता है तो भूख मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। पहले तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी लेकिन जब खाना सामने आया तो दिक्कतें। खाने में बाल, कंकड़ बहुत ज़्यादा निकलना, खाना उतना ही है, घर के 7-5-6 सदस्य और खा रहे हैं उसी खाने को, उनके में निकलना, आप में निकल रहा है। सुबह शाम मंदिर का दीपक जब जलाएं तो बच्चा रोने लगे या किसी प्रकार से भी आपस में आदमी लड़ने लग जाए दीपक जलाते समय संध्या, तो भी समझ लीजिए आपके घर में कोई ना कोई समस्या, परेशानियां हो रही हैं। घर में आग लगे अकारण, जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा है घर में आग कैसे लग जा रही है, दीपक जो पूजा का दीपक था संध्या या सुबह का दीपक, तो अचानक बुझ जा रहा है, तो भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं से दिक्कतें, परेशानियां हो रही हैं घर में या फिर आपके ऊपर। घर के सदस्य अकारण बीमार हैं, लंबे समय तक बीमार हैं, काफ़ी समय तक, आज ये है कल वो है परसों वो है, ऐसा पहले नहीं होता था, अचानक होने लगा 6-8 महीने साल भर से। घर के जानवर, गाय, भैंस, बिल्ली जो भी हैं, अकारण मरने लग जाए, किसी प्रकार से कारण पता नहीं चल रहा है लेकिन एक एक करके घर के जानवर जो हैं मरण हो रहा है इनका। शरीर पर नीले रंग के धब्बे, चकत्ते टाइप के पड़े हैं नीले रंग के, और शरीर से बदबू आने लगे, तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हवा, किसी प्रकार से भी जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर समाहित है। चेहरे पे पीलापन आए, झुर्रियाँ अत्यधिक आए कि अचानक आने, ये सारी चीज़ें अचानक वाली हैं कि 2-4-6 महीने में कुछ चीज़ें जैसे हैं बीमारी है लंबे समय से, 1-1.5 साल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 1 महीना 15 दिन, मतलब कि ये पहले चीज़ें नहीं होती थी, अचानक आ रही है, नहीं तो ऐसा नहीं समझिएगा कि बुढ़ापा आ रहा है और चेहरा जो है खिले, वो नहीं, सामान्यता जो अचानक चीज़ें आ रही हैं।
जो आप कपड़े पहनते हो अचानक फटने लग जाए कि आज मैंने ये पहना तो ये फट गया, इधर फट गया, वो पहना तो उधर फट गया, वो पहना तो उधर फट गया, ये भी नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। चतुर्दशी और अमावस्या को, चतुर्दशी की या अमावस्या को ये समझिए कि कोई ना कोई घर का सदस्य किसी प्रकार से बीमार हो जाए या कोई ना कोई समस्या उसको हो जाए, तो भी आप समझ लीजिए चतुर्दशी और अमावस्या को कि आपके यहाँ तंत्र की, ये तरीके हैं तंत्र को देखने के, समझने के कि आप पे कुछ किसी ने नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग तो नहीं किया है, या फिर आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखी हैं, लगा रखी हैं जिससे समस्याएं परेशानी है। अकारण घर में सीलन आना, अच्छा भला घर था, अभी दिक्कतें परेशानियाँ किसी प्रकार की नहीं थी, सब दीवारें अच्छी थी, लेकिन अचानक सीलन आ रही है, घर की बाउंड्री कंपाउंड की बाउंड्री अचानक टूटने लग जाए, क्रैकनेस आ जाए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तंत्र को दिखाती हैं। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं घर पे या आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया तो नहीं है, ये तरीके हैं।